कानून क्लास तो आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। तो उसमें वो कहना चाह रहा है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है सर्कुलर डिस्क के ऊपर। तो पहले हम देखेंगे कि डिस्क क्या होती है। तो उसका हमने रेडियस बताया हुआ है कि रेडियस है एक्सिस के थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर एक रिंग है तो हमारे पास जो रिंग का एरिया है तो वो होता है 2r², ठीक है, मतलब πr². तो जब एरिया के हम निकालते हैं डेंसिटी तो वो m/2πr, ठीक है, वो dm डेंसिटी, वो जिस हमने पीछे भी निकाल के देखा है, तो dm m/πr² और dx की इक्वल आएगी। ये हमारे पास रिंग के लिए था। तो लेकिन जब हम रिंग पर काम करते हैं तो हमने उसके सरकमफेरेंस के ऊपर काम करना होता है कि हम मतलब क्या करेंगे, जो ये है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास जो dx या dr आएगा, dx आएगा, तो वो हमारे पास π r आएगा। तो हम उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी निकालेंगे। लेकिन जब हम डिस्क के बारे बात करेंगे तो डिस्क जो हमारे पास होती है वो हमारे पास ऐसी शक्ल होती है जो बंद होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई बंद चीज़ जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, तो वो हमारे पास डिस्क होती है। अगर हम डिस्क को और रिंग को मिलाएं आपस में तो हमारे पास वो एक डिस्क ही होगी लेकिन उसके अंदर रिंग भी होगी, ठीक है। तो अब हमने डिस्क के ऊपर काम करना है, तो हमने डिस्क और रिंग को दोनों को मिलाकर हमने अपनी चीज़ें निकालनी है और फिर हमने उस पर काम करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एरिया होता है वो डिस्क का वही 2π, क्योंकि वो भी एक सर्कल है तो उसका πr² ही होगा। सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग हमारे पास क्या होगा, 2πr, और टोटल मास जो हमारे पास डिस्क का निकलेगा तो वो हम देख लेते हैं कि वो हमने क्या निकाला है। पीछे ये हमने पीछे बताया था कि जो हमारे पास dm आता है वो m/πr² और dx, ये हमारे पास चीज़ आती थी, ठीक है। तो इसके साथ dx, अगर हमने मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है तो वो dx लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम dx नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आएगी। तो सरकमफेरेंस जो हमारे पास निकला था सर्कल उसका रिंग का, तो वो हम उसके साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो m2mx, हाँ, इसके में एक चीज़ समझने वाली ये है कि हमारे पास सिर्फ एक रिंग जो है वो सिर्फ रिंग नहीं है, ठीक है, वो एक रिंग भी है साथ में, और उसकी हम देख सकते हैं कि उसकी कोई मोटाई भी होगी, ठीक है, कि मतलब कोई चीज़ है जैसे हम प्लेट वगैरह को देखते हैं तो उसकी वो सर्कल टाइप भी होती है और उसकी एक मोटाई भी होती है, ठीक है। तो हमने उसकी मोटाई को अगर x कह लें तो हमारा जो सरकमफेरेंस होगा वो 2πr नहीं रहेगा, वो 2πx हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्योंकि उसकी मोटाई के हिसाब से हम सरकमफेरेंस ले रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इसके इक्वल होगा फिर 2πx की सरकमफेरेंस। तो हमारे पास जो फिर आंसर आएगा वो 2mx/r², ठीक है। तो यहाँ पर हम 2πx/r², ठीक है। तो ये हमारे पास पाई है और ये r है, तो x का स्केयर के साथ हम इसको, ठीक है, तो फिर हमारा वो r नहीं रहेगा तो वो हमारे पास x के हिसाब से होगा। तो हमारे पास क्या होगा, m/2πx, ये पाई है ये x है, तो पाई पाई से कट जाएगा, mx/r² × 2, ये हमारे पास 2mx/r² बन जाएगा। तो अब हम इसके हिसाब से अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास कंसीडर करें एक डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस। मास ऑफ m इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग हमारे पास πr² आ जाएगा, तो हमारे पास जो रो निकलेगी वो m/πr², ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक चीज़। तो अगर हम उस रिंग को स्ट्रेच करते हैं, मगर आप ये ना भी लिखें तो फिर भी हम कर सकते हैं, अगर रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास उसका एक रेक्टेंगुलर एरिया निकलेगा, ठीक है। तो वो एरिया सरकमफेरेंस जो भी है हमारे पास, तो उसको हमने पीछे हमने डिफाइन भी किया जब फिगर बनाई, तो उसको हमने कहा है कि वो हमारे पास सरकमफेरेंस ही होता है। जब इसको हम सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फिर एक पर्टिकुलर डिस्क के लिए हमारे पास एक उसका मास निकलेगा। तो ये हमने जब निकाला है उसको लेंथ को जब हमने देखा था तो उसको एक्स कहा था, अगर हम उसको पर्टिकुलर कर लें किसी एक खास पॉइंट के लिए कर लें, ठीक है, तो हाँ खास पॉइंट के लिए हमारे पास ये डी एक्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स या डी एस कुछ भी कर सकते हो, डी एस तो हमारे पास डी एस, तो ये हम कर सकते हैं, तो dmx/r² × dx, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हमने यही चीज़ हमारे पास निकल आई है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास dm है, जैसे हमने पीछे डेंसिटी के लिए डिफ़ाइन किया था सेम वैसे ही हमने इसको लिए डिफ़ाइन किया है। इसमें हमने सिर्फ दो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले हमने एक रिंग के लिए निकाला, फिर उसको हमने एक डिस्क के लिए निकालने के लिए हमने उसको
उसके सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करवाया एरिया को, तो फिर हमारे पास उसका पर्टिकुलर आंसर आएगा। क्योंकि हम सिंपल अगर एरिया ही फाइंड कर लें, ठीक है, तो हमारी जो लेंथ होगी उसकी, मोटाई होगी, वो तो हमारी बच जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास उसका मुकम्मल, उसका मैस का जो मुकम्मल था हिस्सा, वो नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए हमने ये काम करने के लिए, उसका असल मैस निकालने के लिए हमने उसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ताकि उसका सरकमफेरेंस भी हमारे पास आए और उसका एरिया भी हमारे पास आए। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई इज़ इक्वल टू एम डी स्केयर, और डी एम अगर हमारे पास जो लेंथ एक्स के लिए निकालना है हमें, तो वो हम एक्स का स्केयर हो जाएगा हमारे पास। तो डी एम की जब हमने वैल्यू पुट की है तो हमारे पास आएगी 2m एक्स, तो ये मेरे पास एक्स का स्केयर है डी एक्स, तो टू है, तो इसके साथ ये डी एक्स भी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2m एक्स की 3 ओवर आर स्केयर। तो जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट अब हमने कहाँ से कहाँ तक करना है, क्योंकि जो हमारी डिस्क है वो 0 से r तक है उसकी लेंथ, तो जो 0 से r तक उसकी लेंथ जाएगी, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से r तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और r की वैल्यू को पुट करेंगे, तो r की इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा r की 4/4, तो जब ये कटेगा तो मेरे पास आंसर आएगा m r स्क्वायर ओवर 2, तो यही हमारा आंसर होगा।